और ये है टेस्ला का जब से सबसे टॉप मॉडल। तो आइए इसको भी अंदर से दिखाते हैं। टेस्ला आपको पता है भाई स्मार्ट कार है, और टेस्ला का जो रेंज है ना ये वाला, मुझे लगता है कि एक बार आप चार्ज करोगे 600 किलोमीटर चला सकते हो, 630 के आसपास। अगर उतना भी नहीं है तो जितना कंपनी क्लेम करती है 550 तो चला ही सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी तक टेस्ला हम लोग रोड पे ही देखते थे, लेकिन आज मैं आ गया हूँ दुबई में टेस्ला के शोरूम में और आपको टेस्ला की एक एक कार दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरे पीछे देख रहा है आपको टेस्ला का शोरूम, तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं टेस्ला की सारी गाड़ी। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो टेस्ला का शोरूम है ये है इक्विटी मेट्रो स्टेशन के पास, तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि टेस्ला की कार कैसी है, क्या प्राइस वगैरह है। सबसे पहले रखा हुआ है टेस्ला का जो फ्रेम होता है या बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जिसपे पूरी टेस्ला होती है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो आप देख लीजिए। ये है टेस्ला का वो स्ट्रक्चर, और इसका देखिए सस्पेंशन वगैरह कैसा है, क्या मस्त इसका सस्पेंशन है। टायर देखिए कितना बड़ा है, और आपको पता है टेस्ला की जो स्पीड है ना भाई वो कोई कम नहीं है, 332 या 340 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ये भाग सकती है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और आपको ये भी बात मालूम होगी कि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, उसमें इंजन नहीं होता है, उसमें मोटर होता है। तो यहाँ पर देखिए दो मोटर दिख रहा है, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी और टेस्ला की गाड़ियाँ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सिटिंग एरिया है, कुछ बैठे हुए हैं भाई लोग, तो आपको हम दिखाते हैं टेस्ला मॉडल। ये देखिए टेस्ला की मॉडल 3 है, ये ग्रे कलर है, ये रेड कलर है, और एक ब्लैक कलर है, एक ब्लू कलर है। तो हम आपको दिखाते हैं मेरे भाई कौन सा रेड कलर। तो ये देखिए इसको आप ऐसे टैप करेंगे ये खुल जाएगा, और अंदर बैठते हैं देखते हैं क्या है। ये देखो आप टेस्ला की स्टेयरिंग, तो अब बंद हो गई है। तो भाई लाइफ में पहली बार मैं टेस्ला में बैठ रहा हूँ, और ये आप देखो इसकी स्क्रीन देखो मेरे भाई, किसी लैपटॉप की स्क्रीन जैसा है बिल्कुल। और यहाँ पे पूरा सिस्टम दिया है, कॉलिंग का, म्यूजिक का। भाई ये क्या हो गया यार, बंद हो जा भाई, बंद हो जा। तो मैंने इसको बंद कर दिया है, बाकी ये पूरा दिख रहा है, कुछ है नहीं। स्टेयरिंग बहुत सिंपल सी है, इसमें दो नॉब दिया हुआ है, ये किस लिए ये मुझको भी मालूम नहीं है, लेकिन इसका टेक्सचर देखो यार ज़बरदस्त है, और सनरूफ वगैरह भी है इसमें। तो लाइफ में पहली बार आपका भाई टेस्ला में बैठ गया है, और ये मॉडल 3 है, सबसे जो टॉप का मॉडल है मॉडल S, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और देखिए ओपन करने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रेस करना है, गेट खुल गया। ओहो, ऐसा सिस्टम किधर है भाई, ये मुझे लगता है लॉक है, नहीं तो मैं आपको इसका जो शीशा है ना वो भी ऊपर करके दिखाता। तो ये है भाई मॉडल 3, ये देखो ये मैंने दबाया खुल गया, क्यों भाई खुला नहीं क्या, हाँ खुल गया। और इस साइड से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, तो यही है मॉडल 3। जो मॉडल वाई है ना, जो मॉडल एस है, जो सबसे टॉप का मॉडल, अभी उसमें कुछ लेडीज लोग देख रही हैं, उस वो लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है टेस्ला का जब से सबसे टॉप मॉडल, तो आइए इसको भी अंदर से दिखाते हैं। आपको मालूम है अगर टेस्ला ए, देखिए गेट खोलने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे प्रेस करना है, कहाँ पे प्रेस करना है, ये प्रेस हो गया, ये ओपन हो गया। और इसका स्टेयरिंग देखो यार थोड़ा सा अलग है और गाड़ियों, और ये देखो क्या क्या ओपन है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। और इसका यार स्टेयरिंग देखो कितना छोटा सा स्टेयरिंग है, इसका भी जो LCD है या डिस्प्ले है थोड़ा सा बड़ा है। और ये मैं बैठा हूँ टेस्ला के सबसे टॉप मॉडल में मेरे भाई, सबसे टॉप मॉडल में लग रहा है मैं किसी एयरक्राफ्ट में बैठा हूँ। जैसे ये इसका स्टेयरिंग आप देखो, ऐसा स्टेयरिंग आपको किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। सामने से लाइट आ रही है इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं है। और यहाँ पे देखो आपको ये ग्लास रखने के लिए, कप रखने के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस वगैरह दिया गया है। और ये देखो इसमें भी आपको गेट ओपन करना है, आप सिर्फ यहाँ पर प्रेस करो, या सब टच स्क्रीन है मेरे भाई, सॉरी। और इसका अप्स ये वाला गेट देखो ऐसे ओपन होता है, ये इसको हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पता किया है दिखाने के लिए, तो इसको लॉक करके रखा गया है। और ये इसका पीछे वाला सीट है मेरे भाई, ज़बरदस्त लग रहा है कसम से ना, मैं किसी एयरक्राफ्ट में बैठा हूँ। और यहाँ का देखिए पीछे का सिस्टम, इसमें भी पूरा आपको LCD वाला सिस्टम, बटन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि टेस्ला आपको पता है भाई स्मार्ट कार है,
और टेस्ला का जो रेंज है ना, ये वाला मुझे लगता है कि एक बार आप चार्ज करोगे 600 किलोमीटर चला सकते हो, 630 के आसपास। अगर उतना भी नहीं तो जितना कंपनी क्लेम करती है 550 तो चला ही सकते हो। और इसका ये बैक में आप देखो, ये बैक से ऐसे ओपन होती है, इसका जो भी आप बोलो क्या बोलते हैं बूट स्पेस। तो ये टेस्ला मॉडल एस सबसे हाई फाई टेस्ला का मॉडल है। और ये है मॉडल 3, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। तो भाई लोग, यही है दुबई का टेस्ला का शोरूम। कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई आपको नई नई चीज़ दिखाता रहता है, जो आप नहीं देखे हो मैं आपको दुबई से दिखाता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।